तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। जनपद पंचायत पोरसों के चुनाव प्रक्रिया के तहत नाम नामांकन भरने की अंतिम तारीख कल समाप्त हो चुकी है। आज फॉर्म की जांच एवं समीक्षा तहसील कार्यालय में परिसर जारी है। दिनांक 23 दिसंबर को फॉर्म वापस लेने एवं चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। चुनाव अधिकारी विवेक सोनी तहसीलदार पोरसा के निर्देशन में अभी तक जनपद पंचायत की 25 जनपद सदस्यों के चुनाव होने थे, जिसमें से 6 पद पिछड़ा वर्ग के होने के कारण केवल 19 सदस्यों के पदों पर चुनाव होगा, जिनके लिए 69 फॉर्म आए हुए हैं। इसी तरह जनपद पंचायत पोरसा के क्षेत्र अंतर्गत 53 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें से 13 पंचायतें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण केवल 40 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का चुनाव होगा, जिनके लिए टोटल 235 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसकी जांच की जा रही है एवं पंच पद के लिए आधे से भी कम पदों का ही नामांकन आए हैं। पंच पद के लिए लोगों में किसी भी प्रकार का कोई रुझान देखने को नहीं मिला। लगभग 50% से अधिक पंच पद के पद खाली पड़े हुए हैं। पोरसा से प्रदीप सिंह दंडोतिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।